हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होता है, या गैस आयन हाफसेल ही। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है? गैस आयन हाफसेल ही होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल लो या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल लो या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली एक क्या है, एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहने का मतलब इसको हम लोग एज ए कैथोड हाफ सेल भी यूज कर सकते हैं और एज ए एनोड हाफ सेल भी यूज कर सकते हैं। ये सभी को समझ में आ गया था? कैथोड हाफ सेल को तो यूज करते हैं तो ई सेल कैसे निकालते हैं, एनोड हाफ सेल तो यूज करेंगे तो ई सेल कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे जिंक का हो गया, आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया या मरकरी का हो गया, जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ध्यान देना, उनका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे हमने बात किया था कि थोड़ा ध्यान रखना, ई नॉट, जेडन से जेडन प्लस टू, जेडन से ध्यान देना, जेडन प्लस टू तुम बोलते क्या हो सर? 0.76 वोल्ट आता है। E नॉट Cu प्लस टू से ध्यान देना Cu, इसको तुम क्या बोलते हैं? 0.34 वोल्ट आता है। या E नॉट Ag प्लस से Ag, ये क्या होता है? 0.8 वोल्ट होता है। तो ध्यान, जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं सभी के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। किसी का ध्यान देना कुछ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ एलिमेंट्स का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कुछ एलिमेंट का नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। नेगेटिव कहने का मतलब ध्यान देना उनका रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन होता है। तुम्हारे दिमाग में डाउट आता होगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना हम लोग क्या यूज करेंगे? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा क्या है? ध्यान देना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस अकर। कहने का मतलब है कि कोई भी ध्यान देना इलेक्ट्रोड का ध्यान देना एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान देना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन ही कहाँ पे होता है? जब ध्यान देना तुम्हारे मेटल्स और आयन्स क्या इक्विलिब्रियम में हो। जब मेटल्स और आयन इक्विलिब्रियम में होगा ध्यान देना तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होगा नहीं। इलेक्ट्रोड ट्रांसफर नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो वही बोला जा रहा है कि ध्यान देना हम लोग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान देना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज अकर। तो समझ में आ रहा है कि जब भी एब्सोल्यूट अगर मैं बात करूँ कि जिंक है और जेडन सॉलिड है, तुम क्या कर दिया? तुमने ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व कर दिया। तब इसका ध्यान देना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कब होगा? जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रोड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? जेड प्लस टू जाना स्टार्ट कर देगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पोटेंशियल डिफाइन होगा। कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। अब तुम इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर फ्लो होना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो है पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो है मतलब ध्यान देना इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स तो है पर सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई नेट नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज आकर होगा। तो ये लिखा हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज आकर। सो वी कैन डिटरमाइन ओनली रिलेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड विच इज सी एज्यूम बाई IUPAC। समझ में आ रहा? किसी भी ध्यान देना मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड छोड़ो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं करने का रीजन क्या है? जब भी हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने जाएंगे ध्यान देना इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने जाओगे तो ध्यान देना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन ही कहाँ होगा? एट इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होगा। और इक्विलिब्रियम पर ध्यान देना कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव नहीं करेगा। जब मूव ही नहीं करेगा तो पोटेंशियल तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान देना हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं। और रिलेटिव किसके करस्पॉन्डिंग? हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि IUPAC ने क्या किया है ध्यान देना, हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह
एज्यूम किया है। यहाँ तक समझ में आ रहा। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ZN प्लस टू ZN ZN प्लस टू इलेक्ट्रोड। तो अब देखो कैसे हम लोग ZN से ZN प्लस टू का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अब है क्या, मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने क्या किया कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या रख दिया ZnSO4 सॉल्यूशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड में होता क्या है, सभी कंसेंट्रेशन 1 मोलर। तो ZnSO4 का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा। ZnSO4 कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा मतलब Zn प्लस 2 भी कितना हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा। हमने ZnSO4 का ध्यान देना कंटेनर लिया, उसमें ध्यान देना ZnSO4 सॉल्यूशन डाल दिया, और उसी में हमने क्या किया एक जिंक रॉड क्या किया डिप कर दिया, एक जिंक रॉड क्या कर दिया डिप कर दिया। दूसरी तरफ हमने क्या किया है, हमने लिया है ध्यान देना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। तो फिर से कंटेनर लिया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो भी सिस्टम होता है मैंने डेवलप कर दिया। अब और क्या, मैंने जिंक रॉड से एक वोल्टा मीटर कनेक्ट कर दिया, जिंक रॉड से मैंने क्या किया वोल्टा मीटर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया। तो अब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो H2 गैस है, H2 गैस है तुम्हें पता है कोई भी गैस होगा उसका प्रेशर कितना हो गया 1 atm। और ध्यान देना उसको हम डिप किस में करते हैं, H+ के सॉल्यूशन में, सोर्स है कुछ भी हो H+ का कंसेंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा। अब हम इस सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ZN सॉलिड है, ZnSO4 एक्वस 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे H+ एक्वस 1 मोलर, H2 गैस 1 atm PT सॉलिड। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ये मेरे लिए क्या है एनोड हाफ सेल है, और ये मेरे लिए क्या है कैथोड हाफ सेल है। अब क्या है कि जिंक का मुझे निकालना था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिंक का ध्यान देना क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ध्यान देना मैंने जिंक को एनोड बनाया और हाइड्रोजन को क्या बनाती है कैथोड। अगर कोई मेटल लो जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो अभी से बात है हम लोग क्या करेंगे उस मेटल को कैथोड हाफ सेल बनाएंगे और हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे एनोड हाफ सेल बनाएंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड बनाना है, जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो करेगा। मतलब हाइड्रोजन अगर मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूँ तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं सबको तुम एनोड हाफ सेल बनाओगे, एनोड हाफ सेल बनाओगे मतलब मेटल का एनोड लोगे और उसी को इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर दोगे डिप कर दोगे, और कैथोड को क्या बांधोगे ध्यान देना वही तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तुम कैथोड हाफ सेल मान लोगे। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं या नॉन मेटल्स हैं सभी का ध्यान देना तुम क्या करोगे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो तुम उनको कैथोड बनाओगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बनाओगे ध्यान देना एनोड बनाओगे। तो यहाँ पे तुम लोग का रिप्रेजेंटेशन सभी को समझ में आ रहा है। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ZN सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बनेगा ZN प्लस 2 एक्वस। इसका इनोड ओपी क्या होगा एक्स वोल्ट होगा, इनोड ओपी ध्यान देना मैं 0.76 नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वही तो कैलकुलेट करना है। तो E0 OP एक्स वोल्ट हो गया, कैथोड जो है उस पर ध्यान देना हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो 2H+ एक्वस H2 गैस बनेगा। इसका E0 RP हमें पता है 0.0 वोल्ट होता है। अब दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमने क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा ZnS सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस ZN प्लस 2 एक्वस H2 गैस, और इसका E0 सेल क्या होगा इसका एक्स है और इसका जीरो, तो क्या हो जाएगा टोटल एक्स वोल्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे तुम इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दोगे, इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दोगे तो ई सेल इजिकल टू क्या ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई 2 लॉग ZN प्लस 2 पी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 H+। यानी कोई भी आयन उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा 1 मोलर, कोई भी गैस हो जिसका प्रेशर कितना होगा 1 होगा। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होने वाला है जीरो होने वाला है, पूरा का पूरा टर्म जीरो होगा मतलब ई सेल इजिकल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट सेल ही हमारा क्या एक्स वोल्ट है। ई सेल इजिकल टू क्या होगा एक्स होगा, E-cell is equal to X होगा। तो अब होगा क्या, जैसे तुमने ध्यान देना ये सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाया तो इधर से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टा मीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा, वोल्टा मीटर में ध्यान देना कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा, और वोल्टा मीटर में जो रीडिंग आएगा वही हमारा क्या होगा एक्स की वैल्यू होगी। क्योंकि यहाँ देखो ना E-cell is equal to क्या है एक्स है, तो E-cell हमें कैसे पता चलेगा वोल्टा मीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा उसी समय क्या पता चलेगा E-cell, वही हमारा क्या होगा एक्स होगा। मतलब ई सेल में रीडिंग कितना आने वाली है 0.76 वोल्ट आएगा, इसलिए यहीं से पता चला कि ध्यान देना ई नॉट ZN से ZN प्लस 2 कितना हो गया 0.76 वोल्ट होता, और ई नॉट ZN प्लस 2 से ZN क्या होता है -0.76 वोल्ट। कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है SOP इज इक्वल टू क्या होता -SRP। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला यूज किया है मैंने एनोड पे क्या ले लिया जिंक ले लिया और उसी के इलेक्ट्रोलाइट को डिप कर दिया,
कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और मैंने क्या किया, ध्यान देना, आराम से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। तो तुम्हें जितने मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हर हाल में मेटल क्या बनाना पड़ेगा, एनोड, और कैथोड पे क्या लेना हो पड़ेगा, ध्यान देना, तुम्हें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। अगर ध्यान देना कोई मेटल है जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, या जो कोई नॉन मेटल है जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उसको तुम क्या बनाओगे, कैथोड हासिल बनाओगे, और एनोड को क्या बनाओगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाओगे। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, वोल्टामीटर में अगर कोई बोले सर कि मैं इसी को ये बोलता कि मैं यहाँ पे सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना देता और यहाँ पे मैं जिंक का बना देता, तो उस केस में ध्यान देना जो ईसेल आता कितना आता, -0.76 वोल्ट। आप ध्यान देना, ये कभी आ नहीं सकता, ये कभी आ नहीं सकता, क्योंकि वोल्टामीटर की जो रीडिंग होती है वो जीरो से ही स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये कभी रीडिंग मिलता नहीं। जब रीडिंग नहीं मिल रहा है मतलब तुम्हें साफ पता चल गया, ध्यान देना, तुमने सेल क्या किया, गलत किया, गलत अपनाया, मतलब तुम यहाँ पे एनोड लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लोगे तो ही हमारा क्या होगा, इस सेल की वैल्यू कितनी आएगी, +0.76 वोल्ट आएगी। तो कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो कर रहा है उसको तुम एनोड बना दो, हाइड्रोजन कैथोड बना दो, जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो कर रहा है उसको कैथोड बना दो और हाइड्रोजन को एनोड बना दो। उसके इसमें वोल्टामीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग हमेशा आएगा, और हमेशा फॉर्मूला जो होगा, ध्यान देना, हमारा कोई भी लो फॉर्मूला हमेशा ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, और एक्स ही हमारा क्या होगा, ध्यान देना, ई नॉट सेल होगा, और ई नॉट सेल में ही और कुछ नहीं, ध्यान देना, एक्स ही हो सकता है। कभी अगर जिंक का यूज कर रहे हैं तो Zn+2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर ध्यान देना तुम कॉपर के यूज कर रहे हो तो Cu+2 से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगर एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स, ध्यान देना, अगर कॉपर यूज कर रहे हैं तो ई नॉट Cu+2 से ध्यान देना Cu, यहाँ पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा, 0.34। अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो वहाँ भी सिल्वर का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसको कैथोड ही मानना पड़ेगा, Ag+ है, Ag 0.8 वोल्ट। अगर मैं ध्यान देना जिंक यूज करता हूँ तो जिंक का मुझे क्या मिलने वाला है, ई नॉट Zn से Zn+2, कितना मिलेगा, ध्यान देना, 0.76 वोल्ट। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो करेगा उसी को हम एनोड बनाएंगे और दूसरे को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो करता है उसको हम कैथोड बनाएंगे और दूसरे को क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। उसी तरीके से जैसे हमने जिंक का कैलकुलेट किया है वैसे हम लोग बाकी सबका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अदर इलेक्ट्रोड, सम एग्जाम्पल्स है, पहला है लिथियम, Li+ = Li सॉलिड, ई नॉट दिया हुआ Li+ से Li -3.04 वोल्ट है, और ई नॉट Li से Li+3.0 वोल्ट है, मतलब ध्यान देना अगर मुझे लिथियम का फाइंड करना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, एनोड हाफ सेल बनाएंगे तभी मुझे ये वोल्टेज मिलने वाला है, और कैथोड बनाएंगे तो नहीं मिलेगा। कॉपर की बात करते हैं, Cu+2 है, दो इलेक्ट्रॉन है, ई नॉट Cu+2 से Cu, मतलब इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, कैथोड हाफ सेल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन होगा तभी 0.34 वोल्ट दे रहा है। अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ध्यान देना उसमें वोल्टामीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में L+3 3 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट की बात करोगे, L+3 ध्यान देना एल्युमिनियम है, माइनस ये है और ये ई नॉट, मतलब इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनोड हाफ सेल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम खुद ही बता सकते हो कि किसको एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है। एक मेरा ध्यान देना मेटल होगा और एक मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो करेगा उसको एनोड लेंगे और दूसरे वाले को कैथोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो करेगा उसको हम कैथोड लेंगे और दूसरे वाले को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रहे, इस एग्जांपल को रटना नहीं है पर ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान रहे तो आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से ध्यान रहे, जितने मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सभी का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर लिया, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया उसको तुम क्या करो, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो। रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक टर्म डिफाइन होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कुछ नहीं, जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका तुम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करो, अरेंज कर दो। जो अरेंज करके मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिखा हुआ है
series obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential is known as electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ रहा है, इतने भी एलिमेंट है सभी का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से जब नीचे की तरफ आओ तो ध्यान देना तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। दिस सीरीज गिव्स रिलेटिव वैल्यू ऑफ SRP एंड दैट आर रिलेटिव टू हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी हमें SRP मिल रहे हैं सभी के सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के रिलेटिव ही होते हैं। तो बहुत बड़ा ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, बहुत तुम्हारे बुक में बहुत लंबा दिया होगा, NCERT देखोगे या सीट में देखोगे तो बहुत लंबा है। उन सब वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उनके ध्यान देना बिहेवियर को समझने की जरूरत है कि होता क्या है। तो कहना मैंने बहुत कम ही एग्जाम्पल लिए, जैसे Li प्लस एक्वस है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो Li प्लस एक्वस है एक इलेक्ट्रॉन दिया तो लिथियम सॉलिड बन गया -3.05 है। फिर ZnO प्लस 2 है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ZnO सॉलिड बन गया, Fe प्लस 2 है H प्लस है। तो होता क्या है, जब हाइड्रोजन है तो मैंने बताया था हाइड्रोजन ही तुम्हारा क्या है, एक रेफरेंस है। 2H प्लस एक्वस दो इलेक्ट्रॉन गेन किया H2 गया तो इसको क्या 0.0 वोल्ट है, यही मेरे क्या रेफरेंस है। इसके ऊपर जो है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो करेगा, इसके नीचे वाले क्या करेंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो करेंगे। तो मैं दिख भी रहा होगा सभी एग्जाम्पल सभी को दिख रहा है, 2H प्लस एक्वस दो इलेक्ट्रॉन H2 गैस बना लिया दिया, Cu प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड है 0.34 वोल्ट है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड 0.8 वोल्ट है, F2 गैस है दो इलेक्ट्रॉन 2F माइनस। तो कहने का मतलब है कि जो ये है ये मेरा क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तो यहाँ पे लिखा भी है हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है मतलब ऊपर जितने जाओगे उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नीचे वाले हाई टेंडेंसी टू क्या होगा, रिड्यूस होगा। सिंपल भाषा में मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, डाउन द ग्रुप जाऊंगा ध्यान देना यहाँ दिखाया है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो SRP की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो SOP की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। SRP की वैल्यू बढ़ेगी मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे लिखा भी है F2 गैस क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि ध्यान देना इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो F2 गैस समझ में आ रहा है, F2 गैस आज के बाद रट लेना कि ना स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है हमारा F2 गैस है। नेक्स्ट है डाउन द ग्रुप गए, डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन द ग्रुप जाओगे तो SRP वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। SRP वैल्यू बढ़ेगी मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब दूसरों के ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक टर्म लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ ध्यान देना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान देना ये नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, ये तुम नोट कर लेना, ये चेंज कर लेना। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ध्यान देना लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम का ध्यान देना Li प्लस है एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव -3.05 SRP है, मतलब इस लिथियम का SOP कितना होगा 3.05, और SOP सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होगा, लिथियम का होगा, और लिथियम का मैक्सिमम होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किस कौन सा होगा, जनरल लिथियम का होगा। इनफैक्ट हम लोगों ने वहां पे बताया भी था, मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी बोला था कि अगर मैं एक्वस स्टेट की बात करता हूँ तो लिथियम हमारा क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ रहा है कि सिंपली क्या किया हमने, सभी मेटल्स जितने भी एलिमेंट है सभी का ध्यान देना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और उसको हमने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उससे हमें क्या मिला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिला। जो हाइड्रोजन वाला क्या हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर ध्यान देना जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो करेंगे, नीचे वाले क्या करेंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो करेंगे, ऊपर वाले ध्यान देना जितना ही ऊपर जाएंगे उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, नीचे हम जितना ही जाएंगे उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला है हाइयर इज द SRP ऑफ द सब्सटेंस मोर विल द टेंडेंसी टू रिड्यूस एंड हेंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी मैंने बताया कि अगर SRP वैल्यू जितना ही ज्यादा बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सेकेंड है लोअर इज द SRP, अगर SRP लोअर होगा तो हायर विल बी द SOP, सो हायर विल द टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो सभी को समझ में आ रहा है, इनफैक्ट मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया था F2 है हमारे क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि SRP उसका क्या मैक्सिमम है, लिथियम है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ध्यान देना उसका SOP क्या होता है मैक्सिमम होता है।
ये जो दो पॉइंट है ध्यान देना, इनको तो रट लेना। मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं रटना है, पर एफ टू और एल आई तुम्हें पता होना चाहिए। एफ टू क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लिथियम क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये पर समझ में आ गया। जैसे मान लो एक सिंपल बोलता हूँ, एक एलिमेंट है, एनी इलेक्ट्रॉन लिया, एक एलिमेंट है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑब्वियस बात किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया मतलब ये प्रोसेस क्या है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है, इलेक्ट्रॉन गेन है मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन है मतलब कैसे बिहेव करेगा, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ध्यान देना, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एक एलिमेंट ध्यान रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन किया तो ऑब्वियस बात रिड्यूस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें रिड्यूस सब्सटेंस है। अब तुम देखो इसका क्या हुआ, इसका तो रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हुआ तो कैसे भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसकी बात करो रिड्यूस सब्सटेंस ने, तो इसमें देखो ना, अगर इसको तुम इतर ला लेते हो तो क्या लिखोगे, माइनस एनी लिखोगे। इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, लूज किया, लूज किया तो कैसे बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लूज किया तो कैसे होगा बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4- और Cr2O7। यहाँ पे ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट MnO4- 7 प्लस 2 1.51 वोल्ट दिया हुआ है, ई नॉट Cr2O7 2 माइनस Cr प्लस 6 देना, प्लस 7 से क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हर हाल में क्या देखना है, रिडक्शन होना चाहिए। तो ध्यान देना MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन रहा है, Mn प्लस 2, तो रिडक्शन ही हो रहा है, तो ऑब्वियस बात मुझे यही चाहिए। यहीं पे देख लो, यहीं देख लो, मैग्नीशियम किस स्टेट में, प्लस 7 है, तो प्लस 7 से प्लस 2 जा रहा है तो रिडक्शन है, तो ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जहाँ तक क्रोमियम किस स्टेट में है, प्लस 6 में है, प्लस 6 से प्लस 3 जा रहा है, तो ये भी क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और हमें बात ही किसकी कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तरह मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन चाहिए था, इसका भी रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल एक का 1.51 है और एक का 1.34 है, तो ऑब्वियसली बात है MnO4- माइनस क्या, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखा हुआ सिंस SRP ऑफ MnO4- माइनस इज हायर देन दैट देन SRP ऑफ डाइक्रोमेट, हेंस इट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया। अगर इन्हीं में से ध्यान देना क्वेश्चन पूछ देता बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ देता बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो तुम्हें क्या करना पड़ता ध्यान देना, आप दूसरा उल्टा लेना पड़ता, ई नॉट Mn प्लस 2 से क्या होगा MnO4 माइनस, वो कितना होगा माइनस 1.51। अब उल्टा करना पड़ता ई नॉट Cr प्लस 3 से क्या होगा Cr2O7 माइनस टू, ये कितना होता माइनस 1.34। अब चेक कर लो ध्यान देना, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, Mn प्लस 2 और Cr प्लस 3 की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन माइनस 1.3 ज्यादा है ना, तो ऑक्सीडेशन Cr प्लस 3 का ज्यादा होगा, मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा Cr प्लस 3 होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकता है। अगर तुमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तो तुम क्या करो, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, फिर चेक कर लो हाई कौन सा है। अगर तुमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो सभी का ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो और फिर चेक कर लो ध्यान देना हाई कौन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना एप्लीकेशन नंबर 3, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने पहले ही बता रखा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल ध्यान देना ई सेल इज इक्वल टू 0 बोला था, और ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। तो बाद वाला तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ही काम आएगा ना, तो ध्यान देना अगर ई सेल पॉजिटिव होना है तो ऑब्वियस बात है ई नॉट सेल भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0, मैंने बताया भी था एनोड उसको बनाओ जो ध्यान देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, और कैथोड उसको बनाओ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मुझे एनोड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात एनोड ऊपर से ध्यान देना ऊपर सबसे ऊपर वाला लूंगा, और कैथोड बनाना सबसे नीचे वाला लिख लूंगा। तो वही लिखवा एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज वाइल कैथोड कैन बी एनी अदर सब्सटेंस व्हिच इज लोअर इन द सीरीज विद रिस्पेक्ट टू एनोड। समझ में आ रहा कि एनोड जो है ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है सबसे ऊपर होना चाहिए, एनोड जो है ध्यान रहा है सबसे ऊपर होना चाहिए, और कैथोड जस्ट उसके नीचे वाला होना चाहिए, कैथोड जस्ट उसके नीचे वाला कोई भी हो हमारा क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन सेल बन जाएगा। जैसे मान लो
जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर सेल में ध्यान देना, जिंक को एनोड बनाते हैं, कॉपर को कैथोड बनाते हैं। तो अब हम अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो, तुमने जिंक इसको एनोड बनाया है और इसको क्या बनाया, कैथोड। तो समझ में आ रहा है, एनोड को ऑब्वियस सी बात है, एनोड को तुम वो बनाओगे जो हायर अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा, और कैथोड हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना एनोड से नीचे ही होना चाहिए, ताकि उस केस में क्या होगा हमारा इनोड सेल पॉजिटिव हो। तो देख लो ना, जेड एन तुमने लिया तो इसका जेड एन ध्यान देना इनोड, जेड एन से जेड एन प्लस टू कितना होता है 0.76 वोल्ट। कैथोड हो गया ध्यान देना इनोड, ध्यान देना सीयू प्लस टू से सीयू कितना हो जाएगा 0.34 वोल्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे इनोड सेल पॉजिटिव हो गया। अगर गलती से ध्यान देना, तुमने कॉपर को एनोड बनाया होता, कॉपर को एनोड बनाया होता, तो इनोड ध्यान देना सीयू से सीयू प्लस टू कितना होता -0.34 वोल्ट, और जिंक को तुमने कैथोड बनाया होता, जिंक को कैथोड बनाया था, जो कि ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान देना कॉपर नीचे है जिंक ऊपर है, इसलिए मैंने बोला था कि एनोड को तो तुम वही बनाओ जो सबसे ऊपर है, उसके बाद कैथोड नीचे वाला कोई भी, पर मैंने उल्टा कर दिया। तो देखो क्या होता है, जेड एन प्लस टू से क्या होगा, जेड एन इज इक्वल टू क्या होगा -0.76 वोल्ट, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा -1.1 वोल्ट होगा, और इनवर्ट सेल हमारा क्या होगा नेगेटिव हो गया, इनवर्ट सेल हमारा नेगेटिव हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैल्विनिक सेल गलत है, ध्यान देना उल्टा नहीं है, ध्यान देना तुम बोल सकते हो कि क्या उल्टा नहीं, खत्म नहीं है, बोल सकते हो ये कैल्विनिक सेल गलत है, कुछ नहीं करना है, कॉपर को कैथोड बना दो, जिंक को एनोड बना दो, तो नेगेटिव की जगह पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और सेल तुम्हारा क्या करेगा काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें आगे मिलेंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये सेल हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए ध्यान देना हमें क्या करना पड़ेगा, इनोड सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनोड सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेल काम करेगा, नेगेटिव आ रहा है तो सेल काम नहीं करेगा, और काम कब करेगा जब हम लोग एनोड को कैथोड बना देंगे और कैथोड को एनोड बना देंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट प्रेजेंट बिलो इन द सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या करता है ध्यान देना, नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकता है डिस्प्लेस कर सकता है। पर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ये प्रूफ समझोगे कैसे, वो लिखा एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट प्रेजेंट बिलो इन द सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन नहीं होता है। अब ये रिएक्शन नहीं क्यों होता है ध्यान देना, जिंक, जिंक कहाँ से कहाँ गया, जेडन से जेडन प्लस टू, मतलब इनोड क्या मिल लगा है, जेडन से जेडन प्लस टू हुआ है और कितना है 0.76 वोल्ट। तो ध्यान देना इसी को हमने क्या माना है, एनोड हाफ सेल बनाया, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कॉपर है कहाँ गया, सीयू प्लस टू से सीयू, तो इनोड सीयू प्लस टू से ध्यान देना सीयू इसका कितना है 0.34 वोल्ट है, 34 वोल्ट है, इसको हमने क्या बनाया कैथोड हाफ सेल बनाया है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट हो जाएगा। तो इनोड सेल मेरा पॉजिटिव है, इनोड सेल मेरा पॉजिटिव है तो ध्यान देना सेल रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात होगा ही होगा। इनोड सेल अगर पॉजिटिव होगा तो ध्यान देना सेल रिएक्शन क्या होगा, इनोड सेल पॉजिटिव होगा तो इस यहाँ पे तुमने बोल दिया। अब ध्यान देना मैं थोड़ा सा बात किया तो इसको हटा देता हूँ, इनोड सेल पॉजिटिव है, इनोड सेल पॉजिटिव है तो कन्फर्म बोल सकता हूँ ई सेल क्या होगा पॉजिटिव होगा, ई सेल क्या होगा पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की नेगेटिव क्यों होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी -NFE, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तीनों पॉजिटिव है तो डेल्टा जी वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होना मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस होना, समझ में आ रहा। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तो ई सेल भी पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा सेल क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सेल रिएक्शन होगा। और ये सेल रिएक्शन क्यों नहीं होगा, तुमने चलो मन किया तो तुमने करा दी, चलो छोड़ो मैं करा देता हूँ क्या बना दूँ CuSO4, किसी का मन किया तो मैंने करा दिया CuSO4 और जी उसके अंदर CU से CU प्लस टू जाएंगे तो ये कितना होगा -0.34 वोल्ट। और ZnSO4 से जिंक जाएंगे तो ये कितना मिलने वाला है -0.76 वोल्ट। तो टोटल हमें क्या मिलने वाला है -1.1 वोल्ट मिलेगा, -1.1 वोल्ट होगा ध्यान देना तो इनोड सेल क्या हो गया -0। इनोड सेल -0 मतलब ई सेल की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी
ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो सेल कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यूज करके हम बता सकते हैं कि क्यों कोई रिएक्शन, ध्यान देना, क्यों बोलते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है वो जो एलिमेंट क्या कर सकते हैं आराम से। ये तुम बोल सकते हो ऐसे एलिमेंट जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है अपने नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसका रीजन भी है कि मैंने बताया अभी था, एनोड तुम्हारा हायर अप इन द ऑर्डर होना चाहिए और कैथोड जैसे उसके नीचे वाला होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान देना, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल डिक्रीजेस। ध्यान रखना डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान देना, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल डिक्रीज है। अच्छा ना, डाउन द ग्रुप गलत बोल दिया, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज है। ये किसकी बात कर रहा है? ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा है, डाउन द ग्रुप, ध्यान देना, क्योंकि अगर डाउन द ग्रुप बात करोगे तो ग्रुप नंबर वन में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है, ग्रुप नंबर टू में भी अलॉन्ग द ग्रुप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम ये बात कर रहे हैं ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल डिक्रीज है। सीरीज कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। कहने का मतलब है अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देना रिलीज कर भी दिया, फेरस कोबाल्ट निकल जिंक, ध्यान देना इसके नीचे ही आता है, हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ध्यान हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कॉपर चांदी सोना, ध्यान देना ये किसके नीचे आता है? ध्यान हाइड्रोजन के नीचे आता है, इनका स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है इलेक्ट्रो, अगर मैं बात करूँ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन की बात करूँ तो हायर जो आप है, ध्यान देना हायर वही होगा जिसका ध्यान देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा तो कैसे बिहेव करेगा? एज ए रिड्यूसिंग नेचर की तरफ, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान देना नीचे की तरफ बढ़ोगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान देना, डिक्रीज करता है। और यही सब एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देना, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, metals present above hydrogen electrochemical series will release hydrogen gas on reaction with dilute sulfuric acid while metals present below will not. same hai, dhyan dena, upar wala dhyan dena displace kar sakta ho, jab upar wala displace karega to hydrogen gas yahan to release karega, kyun release karega? kyunki tum dekhoge Fe se Fe plus 2 dekho aur dhyan dena H plus se H2 dekhoge, to Fe se Fe plus 2 dekho, dekho Fe se Fe plus 2 dekho, isse jaake Fe plus 2 wala example diya na hydrogen, Fe se Fe plus 2 dhyan dena kya hai, -0.04 वोल्ट है, सॉरी Fe प्लस 2 से Fe है, तो Fe से Fe प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0.44 वोल्ट हो जाएगा, 0.44 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कहाँ गया हमारा, Fe से Fe प्लस 2 गया तो 0.44 वोल्ट है और H प्लस से ध्यान देना H2 हो गया तो 0.0 वोल्ट है। इसका इनोड सेल, इसका इनोड सेल क्या ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ऊपर वाला रिएक्शन हो जाएगा। नीचे वाला कॉपर है, ध्यान देना Cu से Cu प्लस 2, Cu से Cu प्लस 2 कितना होता है, -0.34 वोल्ट होता है और दूसरे का तो हाइड्रोजन वाला है ये जीरो है, तो इसका इनोड सेल क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो ये ध्यान देना एक्सप्लेनेशन है सबका, ये सबका एक्सप्लेनेशन है कि हम इनोड सेल निकाल ले और उससे चेक कर सकते हैं कौन किसको रिड्यूस करेगा कि नहीं होगा। तो वैसे तुमने पढ़ा भी है हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ध्यान देना सल्फ्यूरिक एसिड से, ध्यान देना ये कोई भी एसिड हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लिखा metals present above hydrogen electrochemical series will release hydrogen on reaction with dilute acid while metals present below hydrogen will not release. तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन एक करते हैं। जैसे बोला the standard reaction potential for Li plus Li Hn plus 2 से zinc H plus H2 और Ag plus Ag is -3.05, -0.762, 0.0 and 0.80. ये जो following is highest reducing capacity. Reducing capacity की बात किया है। मुझे क्या देखना है? Oxidation. और ध्यान से देखो सभी का reduction दिया है, तो सभी का reduction दिया है तो हम क्या करें? बस negative को positive कर दो। ये positive हो जाएगा, ये भी positive हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं होगा, ये negative होगा। तो positive में कौन सा सबसे ज्यादा है? ये positive ज्यादा है। तो obvious से बात है lithium क्या होता है? Highest reducing agent है। आराम से lithium को मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
The standard reduction potential values of three cations x, y, z are 0.5 to minus 3.303 minus 1.18 respectively. Reduction potential दिया, reducing power पूछ रहा जानना. Reduction potential दिया हुआ, reducing power पूछ रहा. Reducing power के लिए तो मैं क्या करना पड़ेगा? Oxidation potential निकालना पड़ेगा. Oxidation potential क्या करना पड़ेगा? इसको minus कर दो, इसको plus कर दो, और इसको भी plus कर दो. तो plus कर दो को ध्यान देना, तो y सबसे top पे आ जाएगा. तो क्या होगा? Y greater than z greater than क्या होगा? X. तो आराम से क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत सभी को किसी कुछ होने वाला है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर इन वाटर इज Zn प्लस टू, ध्यान देना ई नॉट दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag दिया हुआ ई नॉट. तो ध्यान देना दोनों का ई नॉट दिया हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है. अब देखो ये पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बनाते हैं? एनोड हाफ सेल बना लेते हैं, और इसको हम क्या बना लेते हैं? कैथोड हाफ सेल. तो रिएक्शन लिखना होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा? यही होगा. कुछ लोग ध्यान देना, कुछ लोग ये भी मार सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये भी कुछ लोग मार सकते हो. Zn से Ag सॉलिड Zn प्लस टू, क्योंकि ध्यान देना यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करना पड़ेगा? टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है. अगर तुम थ्योरी पूरा ध्यान से पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा. अगर कोई दिक्कत आता है तो फोन करके आराम से पूछ सकते हो, या हम लोग जब भी ध्यान देना डिस्कशन करते हैं उसमें भी क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, ये हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल ध्यान देना दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता है और एक कंसंट्रेशन सेल होता है. तो गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, ध्यान देना गैल्वेनिक सेल हमारा दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता है और एक क्या होता है? कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल. अब नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करता है. ध्यान नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करेगा, पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसका रीजन ध्यान देना डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड. वही लिखा हुआ है, गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करेंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल. समझ में आ रहा है? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल जैसे अभी हमने पढ़ा था जिंक और कॉपर का, तो जिंक और कॉपर का तुमने देखा था जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है? 0.76 वोल्ट होता है. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान देना कितना होता है? ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें 0.34 वोल्ट है. तो यहाँ पे ध्यान देना डिफरेंस क्या? बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो इसी के डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? उतना ही ज्यादा फॉलो, उतना ही ज्यादा क्या होंगे? फ्लो करेंगे. तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक करंट फ्लो तो करता है, पर फ्लो करने का जो मेन रीजन है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड. तो लिखा हुआ है गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल. इन दिस सेल द एनोड एंड कैथोड हाफ सेल आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. तो समझ में आ रहा है, अगर एनोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है, उससे पता चल रहा है कि एनोड भी डिफरेंट होगा, कैथोड भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. अगर दोनों को सेम बना देंगे तो डिफरेंस तो रहा ही, दोनों का डिफरेंस होगा ही ना. लिखा तो इसमें वही लिखा हुआ है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड हाफ सेल आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. और डिफरेंट एलिमेंट्स होगा तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो. जैसे हमने अभी एक सेल पढ़ा था, ये फेमस सेल पढ़ा हुआ Zn4CuSO4CO, इसका ई नॉट सेल हमने पढ़ा हुआ था 1.1 वोल्ट. तो अभी तक ध्यान देना हमने जितने भी सेल बनाए थे सभी के सभी सेल हमारा क्या था? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल. यहाँ भी मैंने फुल सेल बनाया था, ध्यान देना सभी फुल सेल क्या थे? एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल था. तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया, ध्यान देना सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो करेंगे उसका रीजन क्या होगा? ध्यान देना डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल. नेक्स्ट ध्यान देना कंसंट्रेशन सेल. कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल में ध्यान देना होता क्या है? यहाँ भी ध्यान देना इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक करंट फ्लो करता है, पर फ्लो करने का रीजन हमारा ध्यान देना डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल नहीं होता है. एक्चुअली होता है ध्यान देना डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑब्लिक डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. लिखा हुआ है सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. इन दिस सेल बोथ हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप एज वेल एज सेम सब्सटेंस एलिमेंट. समझ में आ रहा, कंसंट्रेशन सेल में ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो करने का रीजन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल नहीं होता है। यहाँ पे रीजन होता है, ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड ऑब्लिक इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो भी ध्यान देना सेल काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो भी क्या ध्यान देना सेल काम करेगा। कंसंट्रेशन सेल में ध्यान देना एक चीज कंफर्म होता है कि इसका इनोड सेल क्या होता है, जीरो होता है। इसका इनोड सेल जीरो होने का रीजन है, मतलब जिस मेटल को तुमने एनोड हाफ सेल बनाया, मतलब जिस मेटल को तुम ऑक्सीडाइज करा रहे हो उसी मेटल को क्या करो, रिड्यूस करा दो, और फिर भी ध्यान देना तुम्हारा सेल क्या होगा, काम करेगा। काम क्यों करेगा, क्योंकि तुमने ना तुमने इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन तुमने डिफाइन नहीं किया हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन तुमने डिफाइन नहीं किया, इन दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गया तो हमारा सेल क्या होगा, काम करेगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा सा एक बार और पढ़ देता हूँ। सेल इन विच फ्लो ऑफ करेंट ऑब्लिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करेंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सेल बोथ हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप एज वेल एज सेम सब्सटेंस। मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूस होगा, इनोड सेल की वैल्यू क्या होगी, जीरो हमेशा होगी। तो कंसंट्रेशन सेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमेशा ध्यान रखना, उसकी इनोड सेल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो होने वाली है। जैसे एग्जांपल में कंसंट्रेशन सेल की बोल दिया, जैसे Zn है, Zn सो फॉर एक्वल, ये जो Zn प्लस टू कंसंट्रेशन है C1 मोलर है, तो एनोड पे ध्यान देना हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उसका कंसंट्रेशन C1 मोलर है, तो कैथोड पे जो ध्यान देना कैथोड हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया C2 मोलर है, जिंक है, मतलब ध्यान देना जिंक ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और जिंक रिड्यूस भी हो रहा है, और फिर भी ध्यान देना सेल काम कर रहा है। सेल काम ध्यान देना डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल की वजह से काम नहीं कर रहा, डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या कर रहा, काम कर रहा। तो अब कंसंट्रेशन सेल ध्यान देना तुम्हारा दो टाइप का होगा, कंसंट्रेशन सेल दे आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल में दिया भी है, Zn Zn4 एक्वस C1 मोलर है, Zn4 एक्वस C2 मोलर है Zn, तो ये हमारा क्या ध्यान देना एक कंसंट्रेशन सेल है। अब मैं एनोड वाला रिएक्शन लिखता हूँ, एनोड है, ऑक्सीडेशन है, Zn सॉलिड दो इलेक्ट्रॉन, Zn प्लस टू एक्वस बना दिया, इनोड ध्यान देना एक्स वोल्ट लिख लेता, तुम चाहो तो तुम चाहो तो 0.76 वोल्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि ध्यान देना कंसंट्रेशन सेल में वैसे भी ध्यान देना जो ऑक्सीडाइज हो रहा है जो रिड्यूस हो रहा है तुम दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आना ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने एक्स वोल्ट लिख लिया। कैथोड है, Zn प्लस टू एक्वस है, वो रिड्यूस हुआ जिंक में बन गया, इनोड क्या होगा माइनस एक्स वोल्ट हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करते हो तो सॉलिड सॉलिड है, कोई मतलब तो है नहीं, सॉलिड से सॉलिड कैंसिल आउट हो गया, कोई मतलब है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट भी होगा, क्या होगा Zn प्लस टू एक्वस, कैथोड लिखना इंपॉर्टेंट है, Zn प्लस टू एक्वस क्या होगा एनोड, इनोड सेल क्या होगा 0.04। अब सोचना कि ध्यान देना कि ये काम कैसे करता है, ये सेल काम कैसे करेगा, तो अब इस इक्वेशन पर हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग Zn प्लस टू एनोड बाई Zn प्लस टू कैथोड, देन ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू तो रहेगा ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या माइनस 0.0591/2 लॉग C1/C2। अगर गलती से ध्यान देना C2 ग्रेटर देन C1 हो गया, C2 ग्रेटर देन C1 हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, मतलब लॉग 1 से छोटा क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो सेल क्या करेगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या है, ई सेल का फॉर्मूला है C1/C2, इन जनरल भी बोल सकते हो, इन जनरल क्या बोल सकते हो, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 0.0591/log एनोड का कंसंट्रेशन बाई कैथोड का। इसमें क्वेश्चन पूछा अबव सेल विल वर्क व्हेन, कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से क्या होता है, ज्यादा हो जाए, C1/C2 लिखा हुआ सेल टू वर्क, ई सेल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, हर साल में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ई सेल तो क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब ध्यान देना ये वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव तब होगा जब एनोड बाई कैथोड क्या होगा लेस देन जीरो, एनोड का कंसंट्रेशन क्या C1 है, कैथोड का कंसंट्रेशन क्या C2 है, लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ से क्या मिल गया C2 इज ग्रेटर देन C1। मैंने बताया भी था वहाँ पे C2 ग्रेटर देन C1 होगा तो हमारा क्या होगा, सेल काम करना स्टार्ट कर देगा। तुम सोचो ना यहीं पे ये सेल काम कब करेगा, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए टर्म को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग C1/C2 की वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब C2 की वैल्यू ग्रेटर देन C1 हो जाए, C2 की वैल्यू ग्रेटर देन C1 हो जाएगी तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, और लॉग की वैल्यू 1 से छोटी मतलब नेगेटिव है, तो सेल कब काम करेगी समझ में आ गया। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया भी था, इनफैक्ट पिछला
पिछला जो जेई मेंस हुआ था उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी ध्यान देना इस तरीके का कंसंट्रेशन सेल बना दिया था, उसे पूछ दिया था कि सेल काम कब करेगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन सेल में जाना इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होने वाला, एक और एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए भी बना सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड PtS2 है, H+ एक्वस है C1 मोलर है, H+ एक्वस C2 मोलर PtS2। तो ये मेरा क्या है एनोड हाफ सेल, ये मेरा क्या है कैथोड हाफ सेल है। आप जाना एनोड हाफ सेल के लिए ऑलरेडी H2 गैस का प्रेशर दिया नहीं है, तो मैंने बोला था जब दिया नहीं रहेगा तो हम क्या मान लेंगे 1 atm। तो मैंने EOP निकाला था 0.059 pH ऑफ एनोड, इसका ERP निकाला था -0.0591 pH ऑफ कैथोड। अगर मुझे ECL चाहिए तो EOP बाय ERP, तो ECL मैंने क्या किया 0.0591 pH ऑफ एनोड -pH ऑफ कैथोड। तो ये फॉर्मूला तुम रट लेना जब इस तरीके का क्या ना क्वेश्चन आए, खासकर जब इस तरीके का सेल हो और जहाँ पे प्रेशर गिफ्ट दिया ना। मैं तो बोलूँगा ध्यान देना कि तुम सिंपली जो रिएक्शन लिखते होने वाला है उनको बहुत सारा प्रैक्टिस करो, बहुत बार प्रैक्टिस करो। जब वो तुम्हारा क्वेश्चन ध्यान देना पहले तो नॉर्मल मेथड लिखो, एनोड का रिएक्शन कराओ इनोट लिखो, कैथोड का रिएक्शन कराओ इनोट लिखो, दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करो, जो भी रिएक्शन आता है उसमें नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो फिर सॉल्व करो। ये हमारा नॉर्मल मेथड है। इस नॉर्मल मेथड को इतनी बार कर लो कि ध्यान देना इसमें गलत होना कम हो जाए, इनफैक्ट गलत हो ही ना, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तब तुम ध्यान देना शॉर्टकट पे ध्यान रख सकते हो। तुम्हारा दिक्कत क्या है शुरू में ही शॉर्टकट पे चले जाते हो। शॉर्टकट ध्यान देना तब सीखना चाहिए जब पूरा लॉन्ग कट तुम्हें समझ में आ जाए, पूरी चीज कहानी समझ में आ जाए कि हाँ मुझे पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि एक्चुअली चैप्टर में कहना क्या चाहता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, मेरे से बनता है कि नहीं बनता, सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए तब तुम शॉर्टकट पे जाओ। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट का मतलब टाइम बचाना होता है, टाइम बचाना होता है। तो टाइम तभी बचाओगे जब तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, तो शुरू में शॉर्टकट यूज ना करें, ये हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कैलकुलेट ECL ऑफ द सेल PtS2 एनोड 0.1 मोलर है, H2SO4 0.05। तो ध्यान देना ये एनोड हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है, ध्यान देना NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तुरंत क्या लिख सकते हैं OH माइनस कितना होगा 0.1, तो तुरंत हमें क्या लिख सकते हैं H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा 10^-13 होगा, तो pH कितना होगा 30। अब कैसे जैसे ध्यान देना OH माइनस लिखा ना इधर, थोड़ा सा देख लो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें टूट जाएगा Na+ और OH माइनस में, तो बोला जा रहा है ये 0.1 है, ये भी 0.1 होगा और ये भी क्या होगा 0.1 होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ अगर OH माइनस की बात करो तो क्या होगा 0.1 होगा। अब आयनिक में एक टर्म होता है ध्यान देना, किसी कहीं भी H+ निकालना हो तो H+ इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है 10^-14 होता है, 10^-14 क्या होता है ध्यान देना 14 होता है। तो ये है OH माइनस ध्यान देना कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ, नीचे जाएगा तो आराम से हम क्या कर सकते हैं H+ कितना निकाल सकते हैं, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, H+ कितना निकाल सकते हैं, H+ हमारा कितना होगा 10^-30। H+ 10^-13 हो गया तो pH और कुछ नहीं होगा, माइनस लॉग क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, इससे मुझे पता चल गया कितना हो जाएगा pH 30। तो इसलिए ध्यान इतना सब ड्रामा किया है, ये समझ में आ रहा है, एक बार सभी लोग ध्यान से देख लें, ये सभी को समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान OH मैंने 0.1 है, मैंने वहाँ का हाँ ध्यान देना क्योंकि आयनिक वहाँ पढ़ा के मैं पढ़ाता हूँ, H+ बच्चे को समझ में आ रहा है 10^-13 है तो pH कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये तो एनोड हाफ सेल का pH 13 आ गया। अभी जो कैथोड हाफ सेल है H2SO4 0.05 दिया हुआ, तो H2SO4 को हमें क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। H2SO4 है ध्यान देना किस में टूट जाएगा 2H+ में प्लस SO4 2- में, इसमें टूटेगा। तो ये 0.05 है तो ये 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 0.1 0.5। तो फिर से H+ कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो pH कितना होगा डायरेक्टली pH का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ pH की वैल्यू कितनी दी है 1 दी हुई है, हम क्या करेंगे आराम से फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ECL हमारा क्या हो जाएगा आराम से 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो एक एनोड वाले का 13 होता है, कैथोड वाले का 1 है, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना फिर से आयनिक वाला ही क्वेश्चन दिया कैलकुलेट ECL ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो मैंने बोला था H+ का ये तुम्हारा क्या है
एनोड हाफ सेल है, और ये तो क्या हम कैथोड हाफ सेल है। तो एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल समझ में आ रहा है। ये जो पूरा टर्म दिया हुआ ध्यान देना, ये एच प्लस देने का तरीका है, एच प्लस देने का तरीका है। ये जो टर्म दिया हुआ ध्यान देना, ये भी क्या है, एच प्लस देने का तरीका है। तो यहाँ पे सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच और सी एस थ्री सी डब्ल्यू एन है, होता क्या है हमारे पास वीक एसिड है और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट भी है। तो ये पूरा का पूरा मिला के क्या बनाता है, एसिडिक बफर। जब हम लोग आयनिक पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर पहचाने का तरीका क्या होता है ध्यान देना, एक तो वीक एसिड ले लो, और ध्यान देना दूसरा सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट क्या होना चाहिए, इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ध्यान देना सॉल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना, ये दोनों जब कंबाइन होता है उसको हम लोग एसिडिक बफर बोलते हैं। तो एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट होता है, और सॉल्ट कैसा होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को। देखो यहाँ पे वीक एसिड कौन सा, सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच। तो मैं वीक एसिड की बात करूँ, वीक एसिड क्या था मेरा, सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच है, वीक एसिड है। अब सॉल्ट हमारे पास क्या है, सी एस थ्री सी डब्ल्यू एन है। अगर ये सॉल्ट तो है, पर किसका सॉल्ट है, सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच प्लस एन ओ एच प्लस एन ओ एच, वो क्या सॉल्ट क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या सॉल्ट है। तो बफर पहचाने का तरीका क्या होता है, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर होता है वीक एसिड ध्यान देना प्लस सॉल्ट, सॉल्ट किसका होना चाहिए, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। ध्यान देना बेसिक बफर पहचाने का तरीका क्या होता है, वीक एसिड होना चाहिए फिर सॉल्ट होना चाहिए, सॉरी वीक बेस होना चाहिए फिर सॉल्ट होना चाहिए। वीक बेस तो समझ में आ रहा है कि वीक बेस जो सॉल्ट होगा ध्यान देना उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, तो यहाँ तक समझ में आ रहा। तो ये मेरा क्या हमारा एसिडिक बफर है। तो ये एनोड हाफ सेल में एसिडिक बफर है, इसका पीएच कैलकुलेट करने का तरीका है, पीएच ऑफ एनोड क्या होगा, ये फॉर्मूला है एसिडिक बफर में पढ़ाऊंगा। पीएच ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या होगा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, के वैल्यू भी दिया हुआ है, पुट करेंगे तो हमें पीएच मिल गया 5। नेक्स्ट ध्यान देना ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट कैसा ध्यान देना, बेसिक सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ध्यान देना, बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट की ध्यान देना हाइड्रोलिसिस करोगे, बेसिक सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा ध्यान देना, बेसिक सॉल्ट जैसे कैथोड हाफ सेल पे सीएससी डबल सॉल्ट हाइड्रोलिस करे, यहाँ से ओएच माइनस कंसंट्रेशन पीएच इतना आया तो ध्यान देना पीएच 9 है, तो पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे ध्यान देना हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब है क्या कि मुझे लगता है तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है एसिडिक बफर, जब भी ध्यान देना आयनिक आएगा तुम्हें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो एक तरह से मैं क्या करता हूँ कि जनरल जहाँ भी आयनिक आता है वहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ध्यान देना, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद तुरंत क्या पढ़ेंगे ध्यान देना, आयनिक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे आयनिक पढ़ेंगे, और आयनिक का कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा तो पहले ध्यान देना हम आयनिक के ही डीपीपी या सीट बनाएंगे, फिर ध्यान देना हम इस पे आएंगे इलेक्ट्रो का सीट और डीपीपी बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो में ध्यान देना आयनिक का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है पूरा आयनिक घुस जाता है, इसलिए ध्यान देना हर जगह तुम्हें दिक्कत होने वाला है, ये हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है PtH2 है, HCl है, HA 1 मोलर है, PtH2 है, पूछ रहा कैलकुलेट Ka ऑफ HA इफ द E सेल इज 0.0591। तो अब एनोड हाफ सेल की बात कर रहे हैं तो HCl 0.01 है, तो H+ कितना जाएगा 0.1, क्योंकि HCl टूट जाएगा ना, HCl टूट जाएगा ध्यान देना H+ और Cl- में, अगर ये 10^-2 है, ये भी 10^-2 होगा, ये भी क्या होगा 10^-2, अगर 10^-2 है तो pH कितना हो जाएगा 2। तो एनोड हाफ सेल तो समझ में आ गया सभी को। अब कैथोड हाफ सेल में ध्यान देना HA दिया हुआ 1 मोलर, और उसी का ध्यान देना K वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें बोल भी दिया है ध्यान देना कि ईसेल 0.0591 है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूल लगा देते हैं, ईसेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, pH ऑफ एनोड तो पता है, हम क्या करते हैं पीएच ऑफ कैथोड निकाल लेते हैं, पीएच ऑफ कैथोड कितना है 2-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, पीएच ऑफ कैथोड 1 है, अब पीएच ऑफ कैथोड 1 है तो ध्यान देना एच प्लस कितना हो जाएगा 0.1। अब एच प्लस जैसे 0.1 होगा ध्यान देना तो अब एच को तोड़ सकते हो, एच ओ क्या होगा, एच ए आप ध्यान देना वीक एसिड है तो ऐसे टूटेगा, एच प्लस और ए माइनस सी 1-α सी एल्फा सी एल्फा, तो के इज इक्वल टू क्या होगा सी एल्फा स्क्वायर क्या होगा 1-α, और ध्यान देना
एच प्लस यहाँ से देखा, तो ध्यान से देखा तो क्या होगा, सी अल्फा है, तो एच प्लस ऑलरेडी मुझे पता है 0.1 और सी भी मुझे पता है। मैंने क्या किया, अल्फा निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.1, सी भी पता है, अल्फा भी पता है, ध्यान देना मैं पुट कर दिया, पुट करके मैंने क्या किया सॉल्व कर लिया। तो आराम से क्या कर सकते हैं, इसकी के वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तुम थोड़ा सा पूछ भी सकते हो इसके बारे में, तो हो जाएगा। तो ये था ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और ध्यान देना ये सेल केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि ध्यान देना अगर मेटल आयन की बात करें तो मेटल तो सॉलिड है, मेटल सॉलिड है तो ध्यान देना उसका कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी चेंज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या है, इन दिस सेल इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स विल एट सेम कंसंट्रेशन, एंड नॉर्मली दीज आर यूज्ड फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है, इन दिस सेल इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स विल एट सेम कंसंट्रेशन, नॉर्मली दीज आर यूज्ड फॉर हाइड्रोजन। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेम होगा पर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मेरा एनोड हाफ सेल भी ध्यान देना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैथोड हाफ सेल भी ध्यान देना हमारा क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, पर ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या सेम है। तो हम एनोड हाफ सेल लिखते हैं, एच टू गैस से दो इलेक्ट्रॉन है, एच प्लस एक्वस से सीवल में 0.04 पियोन एटीएम है, कैथोड हाफ सेल है ध्यान देना 2H प्लस एक्वस से सी मोलर है, इस तरह से लिख सकते हैं। जब ऐड करेंगे ध्यान देना ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन इसका कंसंट्रेशन सेम है तो कैंसिल आउट कर दिया। एच टू गैस ध्यान देना पियोन एटीएम एनोड का, एच टू गैस पी टू एटीएम कैथोड का, इनोड सेल की वैल्यू क्या 0.0 सेल। इस इक्वेशन पे क्या करें, आराम से नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू कैथोड पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू एनो। फिर से ध्यान देना क्या आ जाएगा, कैथोड ऊपर है ना, कैथोड ऊपर है तो ध्यान पी टू बाई क्या हो जाएगा पी वन आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब पी वन ग्रेटर देन क्या होगा पी टू, तो ये होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ध्यान देना कि इलेक्ट्रोलाइट का भी कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रोड का भी कंसंट्रेशन क्या होता है डिफरेंट होता है। तो आज ये क्लास ध्यान देना हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय।